सो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं WCC2 को रियल क्रिकेट 18 के साथ में, या फिर रियल क्रिकेट 18 को WCC2 के साथ में। तो आज हम इसका जो कंपैरिजन वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और आपको बताने वाला हूँ दोनों में से कौन सा गेम बेस्ट है, और आप सभी के लिए मैं जो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आपको बस करना है इस वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखने, जैसे होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी असर से पता लग जाए। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, उससे होगा कि आप मेरी सबसे पहले गेमिंग वीडियोस को देख पाएंगे। तो भाई अब हम कंपेयर कर लेते हैं WCC2 को रियल क्रिकेट 18 के साथ में। तो जैसा कि भाइयों आप सभी को पता है कि रियल क्रिकेट 18 और WCC2 इन दोनों में ही वर्ल्ड कप का जो एक नया अपडेट आया था, तो आज की वीडियो में हम इस वर्ल्ड कप के अपडेट को ही कंपेयर करने वाला कि किसका बेस्ट वर्ल्ड कप का अपडेट है। बाकी फीचर्स के बारे में हम कंपेयर नहीं करने वाले, क्योंकि बाकी फीचर्स आप सभी को पता ही है, किसमें ज़्यादा अच्छे किसमें वगैरह वगैरह वो सब आपको तो पता ही है। लेकिन आज हम करने वाले वर्ल्ड कप को हम कंपेयर करने वाले कि किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा वर्ल्ड कप आपको देखने मिल जाता है, या फिर WCC2 में या फिर रियल क्रिकेट 18 में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है, तो आपको बस करना है कि यहाँ पे ऊपर आई बटन में पोल का एक ऑप्शन आया होगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट गेम को किसमें आपको वर्ल्ड कप का अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं रियल क्रिकेट 18 के वर्ल्ड कप के फीचर के बारे में। सबसे पहले तो जैसा कि भाई आपको पता है इसका जो वर्ल्ड कप का फीचर है, इसमें जो बहुत ही बढ़िया अपडेट इसमें दिया गया इन्होंने वर्ल्ड कप का, जिसमें आपको जो है एक क्लासिक वर्ल्ड कप भी देखने को मिल जाता है, साथ साथ आपको 2019 का वर्ल्ड कप भी देखने को मिलता है, और जितने भी पुराने जितने भी वर्ल्ड कप थे पास में, जितने भी 1975 से हुए थे, वो सबके सब वर्ल्ड कप आपको इस नए अपडेट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है रियल क्रिकेट 19 के लिए। तो गाइस आपको पता ही होगा, और इसमें आपको साथ साथ सेलेक्टर्स जो मीटिंग होती है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें WCC2 के वर्ल्ड कप अपडेट के बारे में, तो इसमें आपको सिंपल सा एक वर्ल्ड कप देखने को मिल जाता है, क्लासिक वर्ल्ड कप, और इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। बाकी वर्ल्ड कप दोनों में ही पेड देखने को मिलता है, हालांकि WCC2 में आजकल कुछ ऑफर चल रहा है तो इसमें 63 रुपये का मिल रहा है, लेकिन रियल क्रिकेट 18 में 1400 रुपये का किन्नी यूजर्स को 1400 रुपये, और किन्नी यूजर्स को 500 रुपये का मिल रहा है, जो कि ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये बात नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो है स्पेंड नहीं करना चाहते मनी, जिनके पास नहीं होता मनी तो वो नहीं करना चाहते, तो इसलिए बहुत सारे नई फीचर नहीं खेल पा रहे हैं इस गेम को। लेकिन भाइयों अगर हम मैं अगर इसके बारे में बता दूं कि कौन सा बेस्ट है, तो रियल क्रिकेट 19 का वर्ल्ड कप जो वो बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि जो रियल क्रिकेट 19 जो है वो WCC2 से आगे। तो भाइयों अब आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप का फीचर आपको ज़्यादा किस में अच्छा लगा, रियल क्रिकेट 18 या फिर रियल क्रिकेट 19 में, कमेंट्स में बताइएगा, और साथ साथ पोल भी दिया हुआ है उसमें भी आप बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।